अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर, खुश आमदीद एक नई सुबह में। और मैं और मेरी सारी सहेलियां आज तैयार हैं। आज आपको हमारे यहाँ पे कुछ खास एहतमाम, कुछ खास मनाजिर, कुछ खास सीन नजर आ रहे होंगे ना। कुछ कुछ तो शायद आप गेस कर चुके हों कि क्या होने वाला है। इसलिए कि आजकल ये शादियां ने, ये खुशी की, ये जिसे कहते हैं बाजे, ये खुशी के नगमे कह कहे हर घर घर में। और कहते हैं कि इतनी शादियां होती हैं इस सीजन में पाकिस्तान में कि एक्चुअली किसी को भी शादीशुदा के बगैर रह नहीं जाना चाहिए। हर एक की शादी हो जानी चाहिए जितनी शादियां हो रही होती हैं। अगर कोई गैर शादीशुदा मिलता है तो हैरत होती है, इतने लोगों की शादी है कि सिर्फ वो लोग कर सकते हैं बाज़ुकात जिनके पास इतनी इस्तेआत होती है। और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनकी के इसलिए शादियां नहीं हो सकती कि अभी पैसे नहीं जमा हुए, हमारी चीज़ें नहीं जमा हुई, इकट्ठी हुई, कुछ और जमा कर लें, इस तरह से पैसे इकट्ठे हो जाएं, उस तरह से इकट्ठे हो जाएं, तो फिर हम शादी करेंगे। तो आज हम ये देखिए कितने प्यारे प्यारे से लोग आज यहाँ पर किसकी शादी के लिए आए हुए हैं। आज हम आए हुए हैं बलीद की शादी पे और आसिया की। आसिया की शादी हो रही है आज, और आसिया हमारी वो प्यारी सी बहन जिसको हम अपनी पूरी दुआओं में बड़े एहतमाम के साथ, बड़ी सेलिब्रेशन के साथ यहाँ से रुखसत करेंगे ताकि वो जब अपनी जिंदगी के इस फेज को याद करे तो उसके बाद बहुत सारी खूबसूरत और हम सबको भी याद करें। क्योंकि आपको तो बहुत याद करें। बिल्कुल, आपको तो बहुत याद करें। ओह नो, इसलिए कि आपने तो उसको हंसा हंसा के रुला देना है। ठीक है, सो आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं अपनी बहुत प्यारी सी शादी। जिस शादी की खास बात यह है कि इसमें आसिया ना सिर्फ रुखसत होकर अपने घर जाएगी बल्कि उसके जैसे कहते ना हम जो उसके लिए जो उसकी शादी को फैसिलिटेट करने के लिए, उसकी जिंदगी को खूबसूरत बनाने के लिए जो कंट्रीब्यूट करेंगे, जो हम सब मिलकर उसमें अपना हिस्सा डालेंगे ना, वो है हमारी तरफ से दुआओं का और मेमोरीज का। बिल्कुल, ये तो हमारा रंग है। हम सब जो है हम उन्हें मिलजुल कर उसे वो करेंगे, खूबसूरत बनाएंगे उसकी जिंदगी को और उसकी जिंदगी की इन सेलिब्रेशंस को। सो आप ब्रेक के लिए रुकेंगे, लेकिन ब्रेक के लिए रुकने से पहले भाई मैं पहले बुलाऊंगी एक हमारी प्यारी सी आर्टिस्ट को। हमने जितनी भी A+ पे शादियां की हैं, जितनी भी लड़कियों को रुखसत किया है, वो हमेशा शामिल रही हैं। उसकी बहुत बड़ी वजह यह है कि बड़े खुलूस के साथ वो पार्टिसिपेट करती हैं और बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे अपनी फैमिली की कोई शादी है, उसमें उतना ही खुल के परफॉर्म भी करती हैं, पार्टिसिपेट भी करती हैं, उसमें एक्टिवली वो इन्वॉल्व भी रहती हैं। सो हमारी बहुत प्यारी सी आर्टिस्ट, प्लीज वेलकम नताशा अली। नताशा कैसी हो? बिल्कुल ठीक ठाक। सामने नताशा टिपिकल लड़की की बहन है। टिपिकल लड़की की बहन, एज यूजुअल क्या मतलब? लास्ट टाइम भी लड़की की बहन थी ना। नताशा के अंदर भी ना कोई एक प्रो वुमन चीज मौजूद है। वो जितनी औरतें हों क्या हाँ ऐसे कह रही है, गलत कह रही है नहीं, हाँ एतमाद से ऐसे ही है, जैसे आप कहेंगे वैसे ही है। आज के दिन के लिए कम से कम नहीं, आज के दिन के लिए नहीं, सिर्फ आज से ऑनवर्ड 4-5 दिन के लिए, 5 दिन के, इसलिए कि जब तक रुखसत नहीं हो जाती आसिया साजिद के साथ, हमने उसका हर दिन जो हमने डोली को कांदा भी देना है। वेड साजिद, आसिया वेड साजिद। ठीक है, सो नताशा होगी लड़की वाली, लड़के वालों में से कौन आएगा? आसिया की बहन, उसे बहन नहीं, आप अपने आप को अम्मा भी समझो, जैसे भी समझो, कुकी भी समझो, भाई भी समझो। मैं तो कहने वाली थी ना, वो आपने सुनेगी अम्मा वाली बात बड़ी जरूरत है। मैं आसिया की बहन हूँ, छोटी छोटी पहले बड़ी की हो जाए ना, फिर मेरी बारी आएगी। अच्छा, जब भी नताशा आती है ना तो नताशा की बारी जरूर डिस्कस होती है, हम लोग कभी नहीं भूलते उसको। लेकिन अब ऐसा करते हैं कि इससे पहले कि मैं बताऊं आपको को लड़के वालों की तरफ से कौन आएगा, क्यों ना मैं एक ब्रेक ले लूं और उसके बाद फिर हम अपनी डिविजन्स करेंगे कि कौन कौन किस तरफ, और आपकी मुलाकात आसिया से भी कराएंगे और आसिया है कौन आप ये भी जानेंगे। खुश आमदीद, आप सबको भी खुश आमदीद, जिसने कि आज बड़ी खुशी का दिन है। हम आसिया को रुखसत करेंगे और आज आसिया की ढोलक है जिसमें सारे मेरे प्यारे प्यारे से मेहमान जो है वो यहाँ पे शामिल है। अच्छा, अब ये करते हैं कि लड़के वालों की तरफ से मैं, ठीक है, साजिद भाई की तरफ से मैं, ठीक है, और आसिया की तरफ से नताशा। तालियां। वाह वाह, फरादिया से आती है।
लड़की की तरफ से वो लड़के की तरफ से आप ऐसी भांडे तो होना लीजिए मुंडे अभी अभी हम तय करेंगे ना कि आप लोग किस किस के साथ अच्छा अभी तय करना है किसके साथ जाना चाहते हैं जिस दिन आपको बेहतर लगे ये आएगी जी आएगी जी और यहाँ से सारी थोड़ी पुग लेनी है एक एक बारी होनी चलो अब तुम्हारी बारी ब्लू सॉरी मुझे नाम नहीं आता सना सना आ जाओ और बाजिद मैं भी उधर आप मेरे साथ अच्छा आपके साथ गुड मैं नजर ही नहीं आ रही यार ये ये पूरा ये जोड़ी ले सकती है ये नहीं 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 उसका को लो या नीलम को लो इधर वाली नीलम उधर वाली उसका यार नीलम 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 नताशा ओके बड़े बड़े कदम यार मुझे सहर गर्ल द गर्ल्स चाहिए सहर गर्ल आ जा यार बड़े बड़े कदम लो ना और किसके लिए अच्छा अच्छा यार ये हम फैशन डिजाइनर को ले सकते हैं यार तुम्हें बबरिक नजर नहीं आ रही मैं उसको नहीं लेना चाह रही ना ये नजर नहीं आ रहे क्यों नहीं लेना चाह रही मैं बस कोई सा लड़का होना चाहिए हाँ. नहीं इसको लड़कों की जरूरत नहीं है माशाल्लाह चले बबरेक हमारे हुए अब मैं सही टीम में आया यार हमारी इतनी प्यारी डिजाइनर बैठी हुई है सायरा रिजवान हम सबको खूबसूरत कपड़े ना दें तो हम इतने चमक धमक के कैसे यार ब्यूटीफुल ड्रेस और नताशा का तो बहुत ही कमाल नताशा आके वो मेहंदी की मुनासबत से मैंने ना इनके ओकेजन के मुताबिक दिखाओ ना सारी लड़कियां लड़की वाले वाकई बहुत तैयार हमारी दाशा जैसी कुछ छोड़े ना कोई आपने टीम लीडर है नताशा जैसी कुछ छोड़े बबरिक भाई ऐसी मॉडलिंग करनी है कि लड़कियां पीछे रह जाए उसने की है बुल वॉक मुझे करनी पड़ेगी कैट वॉक सारा के ड्रेसेस सारे में एक्सेप्ट मेरे मेरी नहीं बना सारा से मेरे लाजवंती का जोड़ा पहना हुआ है लेकिन सब लोग जो है अपने अपने हम खूबसूरत ड्रेसेस डिस्प्ले करेंगे क्योंकि उसके बाद हमने आसिया को लेके आना है और आपको आसिया से मिलना है क्योंकि जब आप आसिया से मिलेंगे तो आपको पता चलेगा लेकिन आइए जनाब क्या क्या पहना है हमने कपड़े देखने हैं आपने तो हमें सारा तैयार हमने कहा था कपड़े देखने सारी टीम रिहर्सल की वेरी गुड अच्छा जी आप हमारी साइड की जो लड़की है सब सारी लड़कियां नहीं लड़के नहीं लड़के सारी लड़कियां पीछे रखो आपको डाल के लड़के भी लड़के पीछे चलो आओ अच्छा लड़के भी आओ ये भाई ने साडे वास्ते गाया अज फिर तो ऐ तो गाना अरब भाई गा रहे थे ना जिस दिन मेरा ब्याह होएगा साडा बनदा जिस दिन मेरा ब्याह होएगा मेरे ते चढ़ेगा कर्जा होएगा अच्छा जी हमारी प्यारी सी आसिया जिसके पेरेंट्स यहां पे हमारे साथ हैं अमजद साहब अस्सलाम वालेकुम आप माइक ले लीजिएगा बेगम साहिबा से अपनी आपका नाम अमजद है और बेगम का नाम क्या है समीना और आसिया जी कितने बच्चे हैं आपके दो बच्चे हैं दो बच्चे हैं जी और आसिया बड़ी है हाँ जी अच्छा दोनों बेटियां हैं नहीं एक बेटा एक बेटी अच्छा, एक बेटा एक क्या काम करते हैं जी हाँ जी क्या काम करते हैं ये पेंट का काम करता हूँ रंग जो करते हाँ जी अच्छा और मतलब आसिया की शादी करना चाह रहे थे आप काफी अरसे से काफी अरसे से करना चाह रहे थे लेकिन हुई नहीं पहले काम करते हैं अमजद साहब में और मॉडल्स में कोई फर्क नहीं है ये दीवारों पे करते हैं वो चेहरों पे करते हैं अच्छा जी तो और अमजद साहब मतलब मुश्किल था थोड़ा सा फैमिली के लिए मैनेज करना कि शादी कर सके बेटी जी मेरे पास इतना बैलेंस नहीं था मैं अपनी बेटी बैलेंस आप कहते हैं आपको मोबाइल पे दिलवा देते
आजकल बैलेंस ही बड़ा देखिए. आज आपकी बेटी खुशी रहे, कितने लोग शामिल हैं, कैसी कैसी फीलिंग है आपकी? बहुत अच्छी फीलिंग देख रहा है, बहुत अच्छी फीलिंग कर रहा हूँ. मेरी बेटी इस तरह इधर आएगी, बहुत खुशी महसूस हो रही है. मेरी बेटी इस तरह भी आपके प्रोग्राम आएगी तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ इसका. नहीं, शुक्रगुजारी इसमें किस चीज की? अल्लाह ताला का शुक्र है कि एक ऐसा मौका बन गया कि हमारी मुलाकात हुई अमजद साहब से और इनकी कुछ बातों का हमें पता चला. जरूरी नहीं होता कि हर बात हम यहाँ पे खुल के बहुत बताएं, लेकिन ये कि बहुत सारे लोग अपनी शराफत में, अपनी भरम में, अपनी सादगी में बहुत सारा कुछ सह रहे होते हैं. वो बहुत सारे लोग को जाके बता नहीं रहे होते कि हम पे क्या गुजर रही है. तो ऐसी बहुत सारी फैमिलीज जो है आपके आसपास भी होंगी. हम इतनी भरपूर शादियां करते हैं, थोड़े से कोई पैसे निकाल कर अगर हम उसको बेहतर है कि किसी के घर चले जाएं और तो मुस्तहिल लोगों की शादी जो है और किसी एक ऐसी फैमिली में खुशी आएगी. अभी आपने कहा 1000 रुपए का बैलेंस, बंदे नु कराना 1000 दा, कुड़ी हुंदी ते 10000 दा. ये है कि शोज तो होते रहते हैं लेकिन एक्चुअली शादी हो रही है. और ए प्लस की ये रिवायत है और उसकी वजह हमारे चेयरमैन साहब का इनिशिएटिव है कि हम लोग हमेशा से ही, जब ये अभी मीडिया पे शादियों का रिवाज नहीं भी था तब भी ए प्लस जो है एक प्रोग्राम किया करता था, ठीक है, और उसमें शादियां हम लड़कियों की करवाया करते थे और इसी तरह से ओरिजिनल सारी शादियां होती. तो हम अपनी उसी चीज को जरा हमने उसमें फेस्टिविटी ज्यादा ऐड कर दी है क्योंकि सादगी से भी निकाह हो सकता था, जो आपसे बात हुई थी कि बड़े आराम से चुपचाप खामोशी से भी निकाह हो सकता था, लेकिन उस लड़की को सारी जिंदगी ये महसूस होता रहता है कि शायद मेरे वालिदैन के पास नहीं था, काश मेरे पास होता तो मेरे भी कोई अरमान पूरे होते, मैं भी कपड़े पहनती. खुशकिस्मत है कि ए प्लस आपकी बेटी की शादी कर रहा है और माशाल्लाह आप अगर ये सोचते थे कि मेरी बेटी की शादी अभी नहीं हो पा रही, मेरे पास पैसे नहीं है, तो आप सिर्फ ये देखें कि माशाल्लाह आपकी बेटी की किस्मत कितनी अच्छी है, कैसे अल्लाह ताला ने आपका हाथ पकड़ा और ए प्लस ने आपका साथ दिया और माशाल्लाह सब कुछ लेके जाएगी यहाँ से. ग्रैंड शादी हो रही है, ग्रैंड शादी हो रही है, सारी जिंदगी याद रहेगी, इनफैक्ट पूरे दुनिया को याद रहेगी ये शादी. अच्छा, अम्मा ने क्या क्या सोचा था बेटी की शादी के लिए? अम्मा इमोशनल ये माँ का जो होता है ना प्यार, ये बड़ी बेटी है, बड़ी बेटी है. अच्छा, तो क्या क्या सोचा था आपने बेटी की शादी के लिए, कैसे होगा, कब होगा, क्या होगा? ये तो हमने सोचा ही नहीं था ऐसे भी होगा. बहुत अरमान होते हैं माँ को बेटी की शादी के. ये हमारी खुश नसीबी है कि आप लोगों ने हमसे रब्ता किया और हम यहाँ पहुँच सके. नहीं, इसमें खुश नसीबी. अच्छा, मुझे बताए क्या चाहेंगी आसिया की शादी पे, आप क्या चाहेंगे, कैसे हो, क्या हो, क्या क्या कुछ उसमें करें, कैसे करें, आपकी कोई खास रिवायतें हैं, कोई खास रस्म व रिवाज है तो वो भी हमें बताएं, हम वो करेंगे यहाँ पे. हमारे यहाँ तो ऐसे रिवाज होते ही नहीं, हम सादगी में शादी कर देते हैं. सादगी में शादी कर देते जी, हम सादगी में शादी कर देते हैं. अच्छा, हमारे यहाँ ये रिवाज भी नहीं है. अच्छा, लेकिन इस दफा आसिया की शादी तो बड़े धूम धड़के से होगी. देखिए, आसिया की शादी में आरिफ लोहार साहब आए हुए हैं. देखिए ना, मतलब लिविंग लेजेंड है वो. हाँ, आरिफ लोहार साहब को जो है वो पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा नाम है और उनका यहाँ पे आना जो है ना, तो इतनी सारी चीजें जो है, इतने सारे चावर मान पूरे होंगे. अच्छा, वैसे क्या खास दुआ करती थी आप जो अल्लाह ताला ने इतनी जल्दी से एक सबक बना दिया? माशाल्लाह शी इज यंग, क्योंकि very, very young. लड़कियों की माएं बड़ी दुआएं कर रही होती है ना कि रिश्ता भी आ जाए और शादी भी हो जाए, और जैसे ये वाकई झटपट वाला सीन हुआ है. बिल्कुल, तो क्या दुआ करती थी? बस यही दुआ करती थी मेरी बच्ची की, अल्लाह पाक नसीब अच्छे कर दे, घर में शादी हो जाए और जहेज की जो किल्लत थी वो दूर हो जाए. हम जहेज देने के काबिल नहीं थे इसलिए हम यहाँ पे आए हैं. यार वैसे ना ये जहेज की रस्म बहुत बुरी है आरिफ लोहार साहब. लेकिन ये रवायत ऐसी है कि अब तो नेट पे जैसे वो नुमाइश कर रहे हैं, आप देखने जाएं तो बड़ी एम्बेरसमेंट भी होती है देख के, कि उसको शो ऑफ किया जाता है कि हम ये दे रहे हैं, ये दे रहे हैं. ठीक है, अल्लाह ताला जिसको जितनी तौफीक दे वो दे, लेकिन मैं समझता हूँ कि जिसने बेटी दे दी उसने कुल कायनात की जितनी भी खुशी आपकी झोली में डाल दी. तो मैं नहीं समझता हूँ कि कुछ जरूरत रह जाती है पीछे. औलाद से ज्यादा मैं समझता हूँ कि दौलत की चीज, दौलत की चीज जो है वो कोई भी नहीं है. अगर आप एक इंसान को 20-25 साल बड़ा करते हैं फिर उसकी शादी किसी के साथ करवाते हैं और तो समझ लें कि उसकी सबसे अजीज चीज जो है वो उसकी औलाद ही थी, उसने आपको दे दी. उसके जिगर का टुकड़ा जो है वो उसकी औलाद ही थी. अगर इंसान के पास अरबों रुपए हो, सेहत ना हो,
तो वो पैसे किसी काम के। समीना जी मैंने ना भी पिछले दिनों सुना सोशल मीडिया पे बड़ा सर्कुलेट कर रही थी एक ट्वीट थी कि खानदान में शादी हो रही थी फुफ्फो के घर शादी हो रही थी और फुफ्फो ने कहा कि गाड़ी तो आप देंगे ही ना तो भाई ने बहन के साथ तय हुआ हुआ शादी का रिश्ता तोड़ दिया था मैंने शादी नहीं करनी यहाँ पे अगर आप इतने लाल अल्लाह ताला इनको खुश रखे नई जिंदगी में लड़के को भी लड़की को भी ये जो आप फराजी कह रही है ना दहेज की बात बिल्कुल आप ठीक कह रही है नहीं होना चाहिए लेकिन जो वालदैन है बेटी को पाल के बड़ा करते हैं उनकी भी ख्वाहिशात होती है कि कुछ दिया जाए बेटी को वो अपने घर जाके खुश रहे और वैसे भी हमारे बुजुर्ग कहते हैं कि बेटियां अल्लाह इनको तंदुरुस्ती दे जिंदगी दे ये सारी जिंदगी लेती रहती हैं और वालदैन इनको देते ही रहते अच्छा आइए हमने ना ये जेवर रखा हुआ है फूलों का आप पहनाए अपनी बेटी के हाथ में फूलों के जेवर दुआ दें मुंह मीठा करें उसका ताकि हम सेलिब्रेशन शुरू करें आज ढोलक है तो हम सब उसको जरा खुशी के साथ फेस्टिविटी के साथ अच्छा अभी जो मैंने गाना गाया वो दूल्हे के रेफरेंस से गाया जी हां जी दूल्हा वाले नहीं है तो आपने उनकी रेफरेंस से कमी नहीं की है बिल्कुल सही चले जी ये ज्वेलरी पहना जल्दी से पहनाए इनको आसिया को पहनाइए समीना जी आप पहना दें और वालिद जो है वो इनके गले का हार कहाँ है बेटी को पहना कर तो दुआ दे साथ ना कोई दुआ दे जो आप क्या दुआ दी क्या दुआ दी है मन बेटी अच्छा मुस्तकबिल आमीन और अब्बा जी ने क्या दुआ दी मैंने भी यही दुआ मांगी है इसको अच्छा तोड़ साथ चढ़ाए अल्लाह ताला इनको दोनों इकट्ठा रखे आमीन आमीन बहुत शुक्रिया थैंक यू सो मच और हमने अब शुरू किया है सिलसिला सेलिब्रेशन का आज ढोलक कल मायूं परसों मेहंदी फिर बारात और फिर वलीमा वलीमे में भी आपकी मुलाकात बारात में से हो जाएगी दुल्हन से लेकिन वलीमे का दिन होगा हमारा लड़के वालों का उस वक्त तक जरा लड़की वालों का ही सीन ऑन है तो लड़की वाले जो हैं वो आज सेलिब्रेट करेंगे फुल टाइम ब्रेक और फिर आप देखेंगे कैसे हम सेलिब्रेट कर रहे हैं अपनी प्यारी सी आसिया का आज ढोलक लड़की वाले बहुत तैयार है सारा जी जी मैं न्यूट्रल ये जो खूबसूरत सा सेट लगा हुआ है ये कैसर ने लगाया है एंड कैसर ने बहुत खूबसूरत एंचेंटेड मोमेंट जी एंचेंटेड मोमेंट आपकी ये उसका नाम है ऑर्गेनाइजेशन का कंपनी का ठीक है इवेंट्स कंपनी है ये जी इवेंट बेसिकली आई डू डेकोर वेडिंग्स ठीक है वेडिंग डेकोर सो दैट इज माय मेन क्या खूबसूरत आपने किया हालांकि हमारा स्टूडियो की जाहिर है मेजरमेंट छोटी है सारी चीजें लेकिन उसको आपने इतना खूबसूरत लुक का बट टुडेज इवेंट अकॉर्डिंग टू ढोलकी बेसिकली बहुत ग्रैंड लग रहा है सो थैंक यू सो मच तो अब यूज बेसिकली मैरून एंड गोल्डन ब्लैक इसलिए यूज किया कि गेंदे की बैकसाइड पे थोड़ा सा वो ताकि गेंदे की फील आए हाँ उठे वो हाँ जी और ये दिल कितना अच्छा लग रहा है ढोलकी के लिए आपने सबको तैयार जी जूड़े फ्लावर्स का इस्तेमाल किया तैयार हो गया इंशाल्लाह नेक्स्ट फ्लावर्स जुलेस और जुड़े और फूले फूल आजकल वैसे ही बहुत अच्छे लगते हैं यार ये मैं उनकी बात गेंदे और वो जो सारे फूलों का इस्तेमाल है वो ढोलकियों पे मेहंदी और इस पे ज्यादा होते हैं इसलिए हमने बालों में वो ज्यादा इस्तेमाल किया क्योंकि वो खिल जाते हैं कपड़े लाइट हो ज्यादा बाल उठते हैं और अच्छे लगते हैं कपड़े मेकअप ढोलकी सारा हाँ, मैं ढोलक बजाऊंगी ढोलकी लेकर आओ प्लीज सारा आप ढोलक बजाएंगी जी लगता था पहले तो आप चम्मच का काम करती थी आपको किसने बताया और उसके बाद हम देखेंगे कि अब सारा जो है वो क्या अल्लाह खैर करे सारा को सेंटर में दे दें एक क्वेश्चन कर लो गाना बजाने ना पाए खुश आमदीद हम आसिया को आज ढोलक रखी है हमने आसिया की और सारा जो है उसने क्लेम किया है कि इससे अच्छी ढोलक दुनिया में कोई नहीं बजा सकता दुनिया में कोई नहीं बजा सकता और अगर दुनिया में किसी और ने बजा दी मैं एक मजे की
की बात ये बताओ आपको कि यहाँ पे तो चले आपने ये बात जो करती है ना बिल्कुल फिट बैठती है, क्योंकि सैमी ने ना ऐसी बात की, मतलब ये कहती है कहती तुम उठो तुम्हें ना सही बजानी आती वो बड़ी अच्छी बजाती है। मैंने कहा चलो यार अगर तुम अच्छी बजाती हो तुम यहाँ आ जाओ, उसे क्या बजाया मैंने कहा वापस दे दो और इस वक्त सबसे बेस्ट ढोलक बजाने वाली इस टाइम यहाँ बैठी। नहीं मुझे कुछ कहना है इससे पहले कि आप लोग सुने, ये जो है ढोलक कसी हुई नहीं है, इसकी आवाज वैसी भोंडी है। नहीं है हाँ, ये कसी हुई थी तुमने रोटी समझ के बजाया है। नहीं इसके लिए सियाने एक बात कह गए नाच ना जाने आप ढोलक का कंपटीशन करा रही थी मैं भी इम्तिहान टेस्ट देने के। रियली हाँ चैलेंज हो मेरा भी टेस्ट जी क्या क्या ढोलक के चैलेंज में मैं भी हाथ खड़ा कर पहले लोटा बनाया था उसको लड़के की तरफ कर लेकिन वो कर लेते मेडले कर लेते मेडले चलो सारा चले शुरू कीजिए बहुत अच्छा। सारे व्लॉगर्स आप तो बड़ा कमाल परफॉर्म करे, तुम लोग क्या करने की कोशिश कर रहे थे? मैं थ्रू आउट ये ढूंढती रही कि अभी कुछ होने वाला है। पता क्या था उसने कोशिश करके अहमद को उठाया कि वो डांस करे मेरे साथ, मगर अहमद ने कहा कि देखो मौसम अच्छा नहीं है गर्मी हो गई है ऐसा कुछ नहीं हुआ। तुम जो जो मर्जी आपके सवाल का जवाब ये है लड़की वाले हो जो मर्जी करो कुछ करो तो सही। पहले आप ऐसे करें पहले आप ऐसे करें उसके बाद आप ऐसे करें। नहीं नहीं यार ये तो कॉमेडी नहीं कर रहा सच में सारा ऐसे अब ऐसे मैं समझ गई हूँ। नहीं ये आपको मैं एक स्टाइल ऐसे अब ऐसे अब आवाज लगाई अल्लाह ना के अरे भाई ने बड़ा अच्छा गाना गाया है बॉय पे बड़ा अच्छा जाता है क्योंकि वो वेल्डिंग करते हैं तो कहते टाका जोड़ी हमारी है जिसमें अलमेज ब्यूटी सैलून और वहां से सुमैया और सायरा रिजवान सायरा जिनके ड्रेसेस सबने पहने हुए हैं। आई एम रियली थैंकफुल और कैसे शहजाद एंटेंटेड मोमेंट्स You Very have good. really turned these beautiful moments into enchanted moments. Oh, wow. Beautiful. इनके जो हेड हुए वो जरा क्लोज करके दिखा दे तो क्या बात है मतलब घूमेंगी तो कहाँ से क्लोज आएगा एक जगह घड़ी होगी ओके अच्छा वाल देखने हमने टर्न करें जरा अब सही है अब सही है तो ये बहुत देख सकते हैं तुम सामने देखो ना तुम हमें देखो क्या देखो बाल नजर आ रहे यार कपड़े भी तो देखो कितने प्यारे हैं सारा ये हाँ जी इनके तेल का बहुत ज्यादा इन हो गए हैं दोबारा से देखिए ये फूल अच्छे हैं नहीं हमें सूंघ के बताने पड़ेंगे नहीं सारा अगर तो करना जो पानी का मैंने वादी चढ़ गई मेरे कारों में ही फूल है बाई दो नहीं वैसे जो जुड़े वाली लड़की है ना वो इकट्ठी कर लेना उसके बाद आ जाए आप अगर आप एक महीना ना नहाए तो ओरिजिनल फूल निकलेंगे अरे जी ब्यूटीफुल हेयर इन्होंने क्या ड्रेस पहना हुआ है इसका मुझे बहुत अच्छा लग रहा है सामने गोटा वर्क और ये सारा अनारकली और आजकल दोबारा से गाउन ट्रेडिशनल इन हो गया अनारकली यानी ये इसकी कलियां हैं कलीदार अनारकली एंड विद गोटा एंड एप्लीक्स वगैरह ये फ्लोर लेंथ गाउन्स हैं आजकल ठीक है अनारकली यानी दोबारा से कलियों वाला फ्रॉक जी कलियों वाला नीचे चूड़ीदार पजामा है और साथ बड़ी सी ये शॉल है शॉल गोटा की और टर्न
सुमैया कांगी, सुमैया ने बाल भी बहुत अच्छे बनाए हैं, सुमैया ने इसको उठा के सारे बंद बहुत इतनी प्यारी लड़की और नाम सुमैया इनका नाम सुमैया है। अच्छा सुमैया, मुझे लगता है आपको सुबह भाभी ने नाश्ता करा के नहीं भेजा, दूध नहीं डाला, सुमैया याद आ रही है दूध भी बीच में डाला। अच्छा बड़ी अच्छी बात है, कहने दूध नहीं डाला मैं डाल गया। ब्यूटीफुल ड्रेस ये आप ना, ये क्या इन्होंने भी एक लंबा उनका भी गाउन है और पूरे अप्लीक हुई भी है सारे राउंड फ्लेयर में, और ऐसे लग रहा है क्योंकि गाउन के वेरिएशंस भी हैं आजकल, फ्लोर लेंथ जो इन है तो इसीलिए। अच्छा सायरा अभी भी 2019 का जो फैशन फोरकास्ट है उसमें भी मोनोटोन्स देखने को मिलेंगे, मोनोटोन्स देखने को मिलेंगे, फ्लोर लेंथ मिलेंगी बहुत ज्यादा, और यू नो रिच कलर्स, और बीच में फैशन फोरकास्ट कुछ और होती है, कुछ और फैशन तो चेंज होता ही रहता है, लेकिन एक जो आपकी इवेंट्स की वजह से जो हमारे ट्रेडिशनल और यू नो रॉयल लुक है वो इन्हीं में आती है, लॉन्ग कपड़ों में। और लॉन्ग कपड़े आप ना पहने तो आप गरीब लगते हैं, इसलिए आपको लॉन्ग कपड़े पहनने चाहिए और लॉन्ग भी मुंह में डालना चाहिए। बाल बहुत खूबसूरत बनाए तो ये सारे बंस के डिफरेंट स्टाइल्स जो कि आप देख सकते हैं, अगर आपने बाल बांधने हैं तो आपके पास ये सारी वेशे सारा होगा। मैं वाओ बहुत प्यारे अच्छा वैसे बात है कि मुझे तो इन्होंने बिल्कुल 11th आवर पे तैयार किया था, सो हैट्स ऑफ टू आप पहुंचती 11th आवर को पता ही है माशाल्लाह। अच्छा ये इसकी इसके जो मुझे चीज अच्छी लग रही है ना कि इन्होंने फ्रेश फ्लावर यूज किए हैं, और मजे की बात है कि ऐसा लग रहा है जैसे आहो ये भी एक स्टाइल बन का जो कि इन्होंने सामिया के बालों पे किया हुआ है, और बहुत प्यारे लग रहे हैं सारे, हां बहुत अच्छा लग रहा है माशाल्लाह, ऐसे लग रहे तो होकर रखे नहीं, ऐसे लग रहा है जैसे वाटरमेलन पे फूल लगे हैं। और है ना ये भी हीरा का एक टिपिकल जुड़ा स्टाइल जिसके कोई लड़की माशाल्लाह आगे से देखने को नहीं मिल रही, चारों के सिर दिखाई दे रहे हैं। ये सही है जी कर रहे हैं ना भाई, अच्छा ठीक है। अब ये जो है ये बहुत अच्छा, मुझे इसका बहुत अच्छा लग रहा है, खिलावा कलर रेड कलर बहुत फ्रेश कलर है इसका, और इसके साथ बेल बॉटम्स है, और गाउन में हमने ये किया था लेकिन इसमें फुली वर्क भी बन रहा था, तो वी ट्राई टू हैव सम वेरिएशन इन ऑल द डिजाइन, हमारा कलर एक ही फैमिली का है, शॉल्स बिकॉज आजकल बहुत ज्यादा इन थी, तो ये जो शॉल है विद फ्लोर लेंथ गाउन इसकी, ठीक है ऊपर से एक छोटी सी वेस्टकोट आपने दे दी है, और ये मैंने आपको बताया ना बलोची वेस्टकोट डाल दी आपने, रीगल लुक आजकल ट्रेडिशनल वही दोबारा वापस आ गया, आपने मूवीज में भी देखा होगा जैसे पद्मावती और ये सारे, और जो मेरा ड्रेस है आपके ड्रेस की तारीफ करते हैं, थोड़ा मॉडर्न उसमें आ जाता है जी, ये ना जी मॉडर्न 70s का मॉडर्न राइट जी, ओके थैंक यू। अब दूसरी खवातीन हमारी जिन्होंने बाल खुले रखे हुए हैं, आपने बताना है कि किसका ड्रेस और स्टाइल सबसे अच्छा लगा आपको, सामे इज जज, ठीक है हाँ सामे जज, चले चले आप भी चले, ये भी हैं, ये भी ये सिंपल, इनके भी बाल खुले हुए, ब्लो ड्राई नहीं नहीं, वो तो सिंपल, मेरी इतना बेचारी ऐसे ऐसे बाल करके खुले छोड़ के आ रहा है, हम लोग नहीं किसी भी मुकाबले में, मुकाबला इन इन सारी हस्तियों का है। अच्छा जी बहुत जो हस्तियों में रह रही है, आपका भी स्टाइल अच्छा है, आपका भी बहुत अच्छा। अच्छा ये क्या आप जी इससे पहना हुआ, ये भी गरारा पहना हुआ, ये भी करते हैं अभी तुम्हारी बारी आने वाली है, कॉम्बिनेशन किया है, हैंडवर्क बहुत ज्यादा है इसके अंदर, हाय हाय सॉरी गॉट इट, अरे भाई थोड़ी देर के लिए थोड़ी देर के लिए ये बोल रहा है, ये थोड़ी देर के लिए प्लीज ये शुरू बंद रखे जी जी, आप यहाँ पे क्या हो रहा है जी, ये दबका खोरा एंड विद पर्ल्स एंड स्टोन्स वगैरह का जो काम है आजकल इन हुआ है, इसमें सब ये फुली वर्क इनका, कलर बहुत खूबसूरत एक्वा, यस दैट्स माय फेवरेट कलर एंड कलर ऑफ द सीजन आल्सो, तो वो बहुत ही प्यारी लग रही है माशाल्लाह से, इसका मेकअप बहुत अच्छा हुआ है, आई मेकअप एंड बाल जैसे आपने ये कर्ल्स ये बाल भी अच्छे लग रहे हैं, बिल्कुल 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 अहमद अच्छे लग रहे हैं ना, अहमद तो खामोश है, अहमद और नाम इसका नीलम है, अहमद और सामिया जज है, अहमद और सामिया ने बता रहा है हु इज द बेस्ट गर्ल। अच्छा जिया, जिया ने भी अगेन एक विश्वास जी, विश्वास है ठीक है, और वही कलीदार विद फ्लेयर और साथ ब्लॉक प्रिंट एंड हाईलाइटेड बाय द हेयर, क्या नाम है ड्रेस का, खशखाश नहीं विश्वास, विश्वास विश्वास डाउन्स जी, आप प्यारी लग रही हैं आप जी, बाल भी आपके अच्छे लग रहे हैं, मैं लगता है कि करंट के हाथ में है
मैंने क्रंच यानी क्रश मशीन जैसे कर देता है। ये सब जो है ना मेहंदी का ट्रेंड है आजकल। बिल्कुल वही, मैं वही कहने लगा था कि बिल्कुल आप जितने आपकी ड्रेसिंग है वो एक ढोलकी और मेहंदी जी आज के इवेंट को रखने नाफिक के रखे ना वो हम। थैंक यू वेरी मच कैसर, मेनी थैंक्स। और खास तौर पे अगर आपने बाहर देखा है जितना खूबसूरत इन्होंने हमारी एंट्री पे वो छत किया है रूफ। अच्छा कैसर साहब ने कोई जुगत नहीं की थी? अरे नहीं कैसर साहब ने कैसर साहब ने इतनी मुश्किलों सारे ड्रेस तैयार किए ने प्यारे लग रहे हो जे बंदा 2.5 करोड़ की गड्डी चो भी उतरे ना दोस्त कहने कपड़ा मारता ही म्यूजिक दीजिएगा मॉर्निंग जी देख लेंगे एंड वी आर कमिंग बैक आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं आसिया का ढोलक। तो चूड़ी की बात आई है तो आरिफ लोहार साहब आप जरा तशरीफ लाइएगा सर आइएगा बंगा चढ़ा लो चूड़ियों चूड़ी की जब बात होती है तो ये चूड़ी को इन्होंने अमर कर दिया है। तो सर आप देख रहे हैं यहाँ पे ये हर रंग की वंग है ना वो कौन सा है तू कमली चंग दी वंग पर मंग दी तीन चंग दा चंग मंगवा दे है ना ये भी एक है ना सर वंग पे कुछ सुनाए ना कुछ मतलब कोई शेर कोई बात वंग पे कोई है सोनी जी सुराई दे दे बनदी है परसाई दे दे वाह सौदा देने वाले घबरांदे नहीं थोक दे व्यापारी देर लांदे नहीं मेरा मतलब है मेनू बहुत सारिया वंगा दी लोड़ है वे चलिया वंगा की तेरे वास्ते ते मैं दिल दिया संगा नू लेके बैठी आए है क्या बात है अच्छा सूरत हाल ये है कि ये देखें हर रंग की इसमें चूड़ी है लेडीज ठीक है आपने अपने ड्रेस की मैचिंग चूड़ियां पहननी है चोरी चुके जो नहीं चोरी नहीं चोरी अच्छा, नहीं से भाई जो, सब आ जाए सब खातिन आ जाए जो पहले पहन लेगी अपने ड्रेस की मैचिंग चूड़ियां ज्यादा से ज्यादा वो विनर होगी सो इट्स ऑल योर्स सब एक लाइन में सब दिखाओ की बात कर रही हूँ वो सफेद पहन कर आ गई है नहीं और बिल्कुल भी नहीं कलर आंटी एक मिनट ये सब ने ऐसे करके अपने बाजू दिखाने हैं ताकि हम देख सकें कि किसने क्या पहना सारा जी तुमने इतना शोर मचाया बात चूड़ियां भी नहीं पहनी है पहनी है ना हाँ लेकिन सामिया सारा को क्रेडिट लिया जाता है कि सारा ने पहनी किसी ने पहनी नहीं है आप लोग तशरीफ रखेंगे सारे हमने अब किसी खातून को आपने देखना नहीं है बगौर लेकिन किसी एक खातून जो इस सेट पे मौजूद है उसके लिए आपने चूड़ियों का एक कॉम्बिनेशन बनाना है या उसके ड्रेस से मैचिंग उठानी है जिसने उठा ली वो विनर होगा ओके टाइम
जितना कर लेगा वो उतना जीतेगा। ये गिनती है ज्यादा का क्या मतलब सर? इसके जज आप हैं, इन मंगों के जज आप हैं। ये इन लड़कों ने ये बंगे जो है ये सिलेक्ट किए, अपना अपना नॉमिनेशन भी बता रहा है किसके लिए सिलेक्ट किए बाबरे। ओह नो, ये गलत बात है, इस तरह मैं एक्सपोज हो जाऊंगा। ये नहीं, यही बताना किसके लिए किए तो फिर मैं कार ही ले जाऊंगा। सेट में मौजूद खातून के लिए आपने तो ये इकट्ठी करनी, कलर मिक्स कर लिया, अब गिनती भी करनी है इनकी। हाँ नहीं, किसके लिए किया पहले बताएं। ऐसे कपड़े किधर नजर आ रहे थे? किधर नजर आ रहे? ये देखिए, वेरी गुड, हो गया मैच। अच्छा ठीक है सर, आपने देख लिया ये मैच कर लिया? हाँ जी बबरे, मेरा देखें किसके साथ मैच कर रहे हैं। तीन कलर चूज किए हैं वैसे। मैंने कहा कोई तो काम आएगा। देखिए आप भी लड़की हैं, हम आप भी लड़कियों को कंसीडर कर रहे हैं। किसने कहा है मैं लड़की हूँ? नो। अच्छा ये एक दो दो कलर कॉम्बिनेशन ऐसे हैं। नाम लो किसके किसके लिए? बिल्कुल भी नहीं जा रहा, मैं आपको बताती हूँ। साथ साथ कर ले, अगले हफ्ते जो ये पूछो कि मैंने किस किस के साथ जोड़ा। देखो ये किया इधर, देखो ये किया इधर। बबरे के एक एक को सिलेक्ट करो ना, किसको देने के लिए किया? सिंह किया नताशा। दो सबरे किसके लिए? किसके लिए? किसके लिए? मैं तो इनके लिए किया क्योंकि मेरी रेडी। नहीं नहीं नहीं, चलो मैं देता हूँ, मैं देता हूँ। किसके लिए किया? चलो चलो, मेरे लिए किया। मैचिंग नोट किया, देखिए ये देखिए मैचिंग, परफेक्ट मैचिंग, उसने मैचिंग कर दी है ना। हां लड़कियों में भी अब यार आप तीन कलर में फंसे हुए थे, मैं एक ही कलर हूं। मैं एक ही कलर, मेरे ख्याल में व्हाट्सएप विन हो गया। आप आपकी चूड़ियां कहां सर? भी ये रहती हैं। ये भी तीन में जा रहे हैं, ब्लैक ब्लू व्हाइट, हम कठिन जो है ये सिलेक्शन में बहुत बुरे। आपने जो कलर पहना हुआ है ना, उसके साथ ये जो मैच कर रहा है, ये सबसे ये अमेजिंग है, ये सबसे बेहतर है। सो बट साहब सबसे ज्यादा आशिक मिजाज ठहरे। फाइनली ये मुझे खिताब मिल ही गया। बट साहब जीत गए ने, मेरे को बीयां दी लेनी है किसी। ओके थैंक यू वेरी मच, और बहुत शुक्रिया सामिया, सब प्यारी प्यारी खवातीन का बहुत शुक्रिया सारा आपका। कैसे हर रोज मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगी, बिकॉज आपने जितना खूबसूरत आसिया की इस ढोलक को कर दिया है, आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर दैट। और हम कल भी और परसों भी इंशाल्लाह सेलिब्रेट करेंगे अपनी डिफरेंट ड्रेस में। सर रियली ऑनर्ड टू हैव यू, और आपने वक्त निकाला है तशरीफ लाए हैं, थैंक यू वेरी मच। इजाजत लेंगे, और आपको भी दावत है कि हर रोज आप शामिल हों, ताकि आसिया को आपकी दुआओं के साथ हम रुखसत करें यहाँ से ए प्लस के स्टूडियो से, और अपना हिस्सा डालें हर वेडिंग सीजन में जो एक शादी हम करवाते हैं किसी ऐसी फैमिली की, किसी ऐसी बच्ची की जिसकी अदरवाइज शादी शायद होना मुमकिन ना हो। तो आपकी दुआओं से ठीक है, और आपने इसके सर पे हाथ रख के कोई एक दुआ देनी है कि आप आज आए हैं, और उसके बाद आपकी परफॉर्मेंस, और हम आपको कहेंगे अल्लाह हाफिज़। जी सर दुआ क्या देंगे? मैं यही कहूंगा कि अल्लाह ताला इसे सलामत रखे और हमेशा अपने घर में आबाद शाद रखे और नजर बद से बचाए, और जो ये काविश जिस जरिए से हुई है, खासतौर पे ये चैनल जो जिसने ये बेहतरीन काविश की है कि एक मासूम बच्ची का घर बसाया, अल्लाह ताला इसे मंजूर कबूल फरमाए। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़, कल फिर मिलेंगे। उस वक्त तक के लिए लड़के वाले और लड़की वाली दोनों का बहुत शुक्रिया, थैंक यू, सी यू टुमारो, अल्लाह हाफिज़ जी।